श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ कनक कलश बरी को पर थारा भजन ललित अनेक प्रकारा बरे सुधा सम सब पकवाने नाना भांति ना जाई बखाने दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन फल अनेक बर वस्तु सुहाई हर्षि भेंट हित भूप पठाई भूषण वसन महामणि नाना खग मृग हे गे बहु विधि जाना उत्तम फल तथा और भी अनेको सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार के मूल्यवान मनिया पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां मंगल शगुन सुगंध सुहाए बहुभांति महिपाल पठाए दधी चिवरा पुहार पारा भरी भरी कांवरी चले कहारा तथा बहुत प्रकार के सुगंधित तथा सुहावने मंगल और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहा चले। अगवान वान वान जब दिखी बराता उर आनंद पुलक बरगाता देख बनाव सहित अगवाना मुदित बरातिन हने निशाना अगवानी करने वालों को जब बरात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया वो श्री रोमांच से भर गया। अगवानों को सहदय के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर शिव पर मिलन हित कशुक चले बग में जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाघ छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो अनंत के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। वह शिशु मन सुर सुंदरी गावी मुदित देव दुंदु भी बजावी वस्तु उस कल राखी नृप आगे बिने की नीतिन अति अनुरागे देव सुंदरियाँ फूल बसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम सह समेत रहे सबूलीना बेबक शीश जाच के नीना करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने वो प्रेम से सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह जाचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पाँव बड़े पर ही देख दंदु दन मधु परिहरी ही अति सुंदर दिन है वो जनवासा जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जान सी बरातपुर आई कशु निज महिमा प्रगति जनाई हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई भूप पहु नहीं करण पटाई। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सी आयु सी अकनी गई यहाँ जनवा लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दबुष दशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां
सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज वास बिलोक बराती सुर सुख सकल सुलभ सभवांति विभव भेद कछु कहू न जाना सकल जनक कर करी बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सीए महिमा रघुनायक जानी हचे देहे तू पहचानी पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय नाती आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी की जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। सब जन कही न सकत गुरु पाई पितु दर्शन लाल चू मन माही विश्वामित्र बिने बड़ी देखी उपजा उदय संतोष विशेषी। संकोच बश वह गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए पुलक अंग अंबक जल शाये चले जहाँ दशरथ जनवासे मनु सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वह उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जमी मुनि आबत सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था सीलेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी दबुष दशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वह हर्षित होकर उठे और सुख से समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज दरिशीसा कोशिक राव लिए उदलाई कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चंदुली को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल खुशी पुनि दंडवत करत दौआई देख नृपति उस सुकून न समाई सुत ही लाई दुस दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि विशिष्ट पद पद सिर तिन नाये प्रेम मुदित मुनि बद उदलाये विप्रवृंद बंदे तुम भाई मन भावती शीशे पाई। फिर उन्होंने विशिष्ट जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावे आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन परनामा लिए उठाए लाई उर रामा हर्ष लखन देखी दो गाता मिले प्रेम परि पूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुर जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मी मिले जथा विधि सभी प्रभु परम कृपाल विनीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी दबुषु दशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय श्री राम। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी की अयोध्या वासियों कुटुंबियों जाति के लोगों जाचकों मंत्रियों मित्रों सभी से जथा योग्य मिले। बोल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम।